असम में जमीन अधिग्रहण के नाम पर हुई के विरोध में एक इस्लामिक विद्वान मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की रसोई को लेकर थाना कोतवाली श्योपुर को ज्ञापन देते हुए पिछले दिनों असम सरकार ने जमीन अधिग्रहण के नाम पर जिला दारंग में वर्षों से निवासरत लोगों को बगैर किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उनको घरों से बेदखल कर दिया और उनके घरों को तहस नहस कर दिया। धार्मिक स्थलों को भी तोड़ दिया गया। सरकार और प्रशासन की इस कार्यवाही का लोगों ने जब विरोध किया तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के ऊपर गोलीबारी कर दी, जिससे दो व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की दुखद पहलू, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना, पुलिस की मौजूदगी में एक फोटोग्राफर मृतक के शरीर पर कूदता है, जिसका फोटो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुआ, जिससे हमारी मृतक की थूथू हो रही है। दूसरी घटना उत्तर प्रदेश राज्य की है, जहां धर्म परिवर्तन के नाम पर धार्मिक विद्वान मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को झूठे केसों में गिरफ्तार किया गया है। पूरी तरह से असंवैधानिक है यह, संविधान में दिए गए धार्मिक अधिकारों के खिलाफ वर्जी है। प्रदेश सरकार लगातार अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों और उनकी सुरक्षा को लेकर नकारात्मक है। प्रदेश से आए दिन अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों से छेड़छाड़ एवं घेराबंदी कर धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। इससे आपसी भाईचारे में दूरियां पैदा हो रही है, जो हमारे देश की एकता अखंडता के लिए सही नहीं है। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की मुस्लिम नीतियों पर लगाम लगाई जाए, सम्माननीय मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पर से तुरंत झूठा मुकदमा वापस लिया जाए, हिंसा में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को स्थान आवंटित किया जाए तथा उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए, असम के मुख्यमंत्री को पद से तुरंत बर्खास्त किया जाए, जिस तथा कथित फोटोग्राफर ने मरे हुए व्यक्ति के ऊपर कूद कर क्रूरता की है, उसे फांसी की सजा दी जाए। इन शर्तों को लेकर आज SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने थाना कोतवाली जिला श्योपुर को ज्ञापन दिया। ऑनलाइन भारत के लिए इमरान खान की रिपोर्ट। गुरुवार को NSUI के प्रदेश सचिव पार्थ रघुवंशी अपने साथियों के साथ कॉलेज भवन के गेट के पास ही एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठ गए और दोपहर 4 बजे के लगभग अपनी मांगों का एक ज्ञापन SDM रोशन रॉय को दिया। भूख हड़ताल पर बैठे NSUI के सदस्यों और कॉलेज के छात्रों की मांग थी कि इस साल कॉलेज में बड़ी संख्या में छात्र एडमिशन लेने आ रहे, लेकिन कॉलेज में जो सीटें थी वह पूरी तरह से भर चुकी है, लेकिन कई छात्र प्रवेश से वंचित रह गए। इसलिए हमारी मांग है कि कॉलेज में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए 10% सीटें बढ़ाई जाए, कॉलेज में हुए पुस्तक घोटाले की हो जांच। हड़ताल के दौरान आकाश शर्मा ने बताया कि कॉलेज प्रबंधक द्वारा गलत तरीके से करीब 4 लाख रुपए से पुस्तकें खरीदी है, इस मामले की जांच कराई जाए और जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई की जाए कि आगे से कॉलेज में इस तरीके के घोटाले ना हो। इस संबंध में कॉलेज की प्राचार्य रेखा बरेठिया का कहना है कि NSUI के सदस्यों द्वारा छात्रों के लिए प्रवेश दिलाने के लिए 10% सीटें बढ़वाने के लिए ज्ञापन दिया गया था, जो शासन को भेज दिया गया है। वहीं प्राचार्य ने बताया कि इन लोगों द्वारा जो गलत तरीके से 4 लाख की पुस्तक खरीदी की बात कही जा रही है वह बिल्कुल गलत है, यह मेरी छवि को खराब करने के लिए कही जा रही है। प्राचार्य ने बताया कि पुस्तक खरीदी के लिए पूर्व के अध्यक्ष CP गोयल के साथ हुई बैठक में प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था, जिस पर पुस्तकों को खरीदा गया है। ये भूख हड़ताल इसलिए कर रहे हैं कि इनको 10% की सीट बढ़वाना है, जिसका इन्होंने ज्ञापन दिया था तो वो हमने मौलिकता शासन को भेज दिया है। ये इनका क्या नहीं, ये बिल्कुल गलत है और बिल्कुल मतलब निराधार बात इनके द्वारा कही जा रही है, जिसका कि मतलब अनर्गल तरीके से मेरे छवि को धूमिल करने के लिए पूरे शहर में ये अफवाह उड़ाई जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। पूर्व में जो अध्यक्ष थे गोयल साहब, CP गोयल साहब, उनके साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें ये प्रस्ताव अनुमोदित है और प्रस्ताव अनुमोदन पर ही काम किया है, नियम से हट के कोई काम नहीं है। प्रिंसिपल रही हूँ और ज़िले में मैं एकमात्र रेगुलर प्रिंसिपल हूँ, तो हो सकता है कि ज़िले की प्राचार्य जो है, नोडल कॉलेज की प्राचार्य मेरे से जूनियर है, प्राध्यापक है, तो वहाँ भी ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि मैडम फिर से ना आ जाएं। तो ये एक षड्यंत्र के तहत कि मैडम ना ज़िले में रहेंगी और ना मैडम की वापसी होगी, ये भी एक षड्यंत्र पूरा चेन के माध्यम से कि इनको विदिशा जिले से अलग कर दिया जाए। इसलिए बार बार मेरे पे इस तरह का फोकस कराया जा रहा है कि SDS में जो नियमित प्राचार्य है उनको यहाँ से हटवा दिया जाए। देखिए ये उनका काम है, आप मेरे से व्यक्तिगत पूछ रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ और निराधार है। मैंने बिना नियम का कोई काम नहीं किया है और मैं प्रशासनिक कार्य में
मैं जब नोडल कॉलेज में थी तो मेरे कार्य को माननीय एमवी ओझा साहब ने सराहा था और मुझे बेस्ट प्रशासन के लिए प्रमाण पत्र भी दिया था। मेरे द्वारा ना कभी इस तरह का कोई काम किया गया है और ना ही मैं अपने सेवा काल में शासन के नियमों के विरुद्ध कोई काम करना पसंद करती हूँ। नहीं सकता, गलत है ही नहीं तो होगा कहाँ से। नियम के विरुद्ध और किसी तरह का कोई घोटाला या कोई भ्रष्टाचार जिसको लोग कह रहे हैं, ये सारे आरोप निराधार है और झूठ। ना कहेंगे कि जो गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर अब कार्रवाई हो और प्राचार्य महोदय तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दें। एसडीएम महोदय अध्यक्ष हैं, वो जनभागीदारी समिति के, उनसे स्वीकृति नहीं ली गई। दोनों जो पहले पूर्व जनभागीदारी अध्यक्ष रह चुके हैं, श्री चंद्रशेखर दुबे जी और श्री पवन रचारिया जी, दोनों ने ये कहा है पेपर में, स्टेटमेंट में, कि उनसे भी स्वीकृति नहीं ली गई। हमारी केवल एक ही मांग है इस विषय में, प्राचार्य महोदय का इस्तीफा हो और जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं सब पर कार्रवाई हो और उसके बाद ही NSUI अब इस आंदोलन को रोकेगी। उन घोटालों की जांच होनी ही चाहिए और अगर प्रशासन ये करवाने में कहीं ना कहीं पीछे हटता है या मजबूर होता है या अपने कदम पीछे लेता है तो NSUI इतना आंदोलन, ऐसा आंदोलन करेगी कि जो शायद गंजबाजदा ने छात्र राजनीति में कभी नहीं देखा होगा। और अब तो प्राचार्य महोदय का इस्तीफा के बाद ही हम दम लेंगे, उसके पहले हम रुकने वाले नहीं हैं। आज तो केवल एक दिवसीय भूख हड़ताल है, अगर आने वाले 8 दिनों में प्राचार्य महोदय का इस्तीफा नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल होगी और वो भूख हड़ताल जब तक चलेगी जब तक प्राचार्य महोदय नहीं हो जाते। हमने तो केवल गांधीवादी तरीका है जो आंदोलन करने का वही अपनाया है और अधिकारियों को सब पता है, डेली पेपर में खबर छप रही है। हम तो केवल अपना आंदोलन करेंगे और जब तक करेंगे जब तक प्राचार्य महोदय का और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो जाती। छात्रों का एक एक पैसे का हिसाब कॉलेज प्रशासन को देना होगा। ऑनलाइन भारत के लिए अनुज रघुवंशी की रिपोर्ट।